हमारी ऋषियों की बहुत ऊंची ज्ञान परंपरा है। अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र होते हैं, 4000 सूत्रों को स्मरण करना, फिर उनको समझना और उस अष्टाध्यायी और धातु पाठ को जो स्मरण कर लेता है वह लाखों नहीं करोड़ों शब्दों को समझने का और करोड़ों शब्दों को बनाने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। इतना बड़ा शास्त्र है यह अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 सूत्र हैं, फिर 2000 धातुएं हैं धातु पाठ में। तो विद्यार्थियों ने, बच्चों ने धातु पाठ भी याद किए हैं और धातु पाठ के साथ लिंगानुशासन, अष्टाध्यायी, ये भी तीनों तीनों शास्त्र पंचोपदेश कहते हैं पाणिनि के, वो भी विद्यार्थियों ने स्मरण किए हैं। तो थोड़ी सी झलक हम इन बच्चों के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे बहुत मेधावी छात्र और भी हैं, और भी हमारे ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारी बेटियां हैं जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन प्रतीक के रूप में कुछ को आज सामने रखा है। ऐसे कई बार प्रतियोगिताएं हुई हैं, दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, अनेक शास्त्रों का, वेदों का, गीता आदि का स्मरण बच्चों ने किया है। तो जो जो इस विद्या के क्षेत्र में ऋषि ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार सबका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। दस, बीस, सौ, 200 मंत्र किसी को याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है। हमने देखा है विद्वानों को, किसी को 10-20 मंत्र याद है, उनका अर्थ याद है, और मैंने देखा है वो 25-25, 50-50 साल से देश में प्रवचन करते रहते हैं। किसी को 100-200 श्लोक या मंत्र याद हो जाएं तो वह बहुत अच्छे कथाकार, प्रवचनकार, उपदेशक बन जाते हैं। हमारे यहां पर एक बेटी है, उसने, संगीता ने, अमरकोश के 1000 श्लोक याद किए। एक बार जोरदार अभिनंदन है बेटी का, और अपने हाथों से ही लिखा भी है। तो मैं सबसे पहले सबसे कठिनी परीक्षा प्रारंभ करता हूं कि किस तरह से ये पूरा उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ भी है। अच्छा है किसी शास्त्र को लिखने से फिर वो हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में भी अंकित हो जाता है। तो सबसे पहले संगीता जी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के वो ये 1000 जो अमरकोश के अंदर जो श्लोक हैं उनका स्मरण किया है, और इसमें कितने हजार शब्द हैं उनको आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः, प्रधानं प्रकृति स्त्रियां विशेषः, कालिको अवस्था गुणा सत्वं रजस्तमः, जनुर्जनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः, प्राणी तु चेतनं जन्मी जन्तु जन्यु शरीरिणः। मोक्षपवर्गो, मोक्षपवर्गो था जानम अविद्याहमति स्त्रियां रूपं शब्दो गंधर्थश्च परसश्च विषयामि गोचरा इंद्रियार्थश्च हृषीकं च दिनान्ते, प्रभातं च दिनान्ते तु सायं संध्या पितृ प्रसूः, प्राह्ना प्राह्ना मध्याह्न स्त्री संध्या मत शर्वरि, तुषारः शीतलः शीतो, तुषारः शीतलः शीतो, हिम सप्तानि लिङ्ककाः, ध्रुवे औत्तानपादी स्यात् अगस्त्य कुम्भसंभवः, मैत्रा वरुणिरस्यैव लोपा मुद्रा सधर्मिणी, नक्षत्रमृक्षं भंतारा तारका प्यूढवा स्त्रियां, दाक्षायण्योऽश्विनी इत्यादि तारा अश्वयुगश्विनी, राधा विशाखा पुष्येतु सिद्ध्यति श्रविष्ठया, समाधनिष्ठा स्युप्रोष्ठ भाद्र भाद्रपदा स्त्रियः, मृगशेषं मृगशिरः, आपः स्त्री भूमि वारवारी, सलिलं कमलं जलं, पयः कीलालम् अमृतं जीवनं भुवनं वनम्, भागीरथी त्रिपथगाति सोत्रा भीष्म सूरपि कालिंदी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा, भाग शरावती वेत्रवती चंद्रभागा पुंडरीकम्,
पुंडरीकम स्तंभोजम अथ रक्त सरोरुहे रक्तोत्पदम कोकनदम नालो नालम अथा स्त्रियाम सुराज्ये देशे राजन वांस्य ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोष्ठनकं तत्तु गोष्ठीनं भूतपूर्वकं वातायनं गवाक्षोत मण्डपो स्त्रीजनाशयः हर्म्यादि धनिनां वासः प्रासादो देव भूभुजाम् सैंधो स्त्री राजसनम् पूरे एक बार भी त्रुटि नहीं कर दिए हैं। बंदा वृक्षादनी वृक्ष रूहा जीवंती केत्यपि वत्सादनी छिन्न रूहा गुडु चितंद्रिका अमृता प्रचोदनी कुल शुद्रा दुष्प्रशो राष्ट्र केत्यपि नीली काला कृतिका ग्रामीणा मधुपर्णिका श्रीफण गोपी श्यामा शारिवा स्यात् अनंतोपल शारिवा योग्य वृद्धि सिद्धि लक्ष्म वृद्धेरप्याफया इमे कदली वारण वुसारंभ मोचांशु मत्फला काष्ठीला मुद्गपर्णी तु काग मुद्गा सहित्यपि। क्या बात है, एक जो है जोरदार अभिनंदन इस बेटी का। माने कोई घबराहट नहीं और स्नानम चर्चिक्यम स्थासकोथ प्रबोधनम अनुबोध पत्रलेखा पत्रांगुलिरिमे समे पाठो होमशातिथीनम सपर्यातर्पणम बलि एते पंच महायज्ञा ब्रह्म यज्ञादिनामकाः समज्ञा परिषद गोष्ठी सभा समिति संसदः आस्थानी क्लियमास्थानम प्रवासनम परासनम निषूदनम निहिसनम निस्तर्पणम निवहन संजपनम निर्गंथनम अपासनम निस्तरहनम निहननम क्षणनम परिवर्जनम समानौ रसवत्याम तु पाकस्थान महानसे। एक बार जोरदार अभिनंदन इस बेटी का। माने 1000 श्लोकों में विस्मरण नहीं करना और उसके में पूरा धैर्य रखते हुए पूरे शास्त्र को हृदयंगम करना, ऐसे प्रतिभावान ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों के द्वारा ये कन्या वैदिक कन्या गुरुकुलम का और हमारे अभी ब्रह्मचारियों का भी क्रम आएगा वैदिक गुरुकुलम का, गौरव बढ़ रहा है। तो एक बार सभी ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारिणियों को श्रद्धेय गुरुदेव को और बहन सविता को और इतनी दिव्यता से जो बेटियां तैयार हो रही हैं सबके लिए, भाई बहनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये तो थी बेटी संगीता और इसने बहुत दिव्यता के साथ में आपको ये अमर कोश के ये 1000 श्लोकों को स्मरण करने का, ऐसे हम हजारों हजारों सूत्रों को हजारों हजारों श्लोकों को स्मरण कर सकते हैं। भगवान ने इतनी दिव्यता हमें प्रदान की है। तो ये ज्ञान पर्व है, गुरु पर्व, और ज्ञान ऋषियों का हमारे जीवन में हमारे मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो। अभी हम अष्टाध्यायी धातु पाठ और लिंगानुशासन तीनों जिनको स्मरण है, वैसे हमने भी ये शास्त्र गुरुकुलीय अध्ययन में स्मरण किए थे और पढ़ते समय हम 4 से 8 घंटा सेवा किया करते थे, 4 से 8 घंटा भिक्षा की सेवा, 40 ब्रह्मचारियों का भोजन हम गांव से भिक्षा में मांग करके लाया करते थे और गुरुकुल खानपुर के ब्रह्मचारियों की ये भिक्षा सेवा का दायित्व श्रद्धेय गुरुजी ने जो हमें दिया था उसको निभाया करते थे। 40 ब्रह्मचारियों के लिए गांव से भिक्षा मांग के लाना, गुरुकुल कारवा में श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में हमको गो सेवा का दायित्व दिया तो अपने हाथों से हमने 40-40 गायों की सेवा की है और अपने इन हाथों से ही हाथ दुख जाया करते थे, दंड बैठक भी लगाया करते थे और करीब करीब 10 से 15 गायों का दूध अपने हाथों से निकाला करते थे और दूध निकालने के साथ साथ उनका गोबर ही उठाना, उनको चारा भी करना। और एक तो पहले ब्यात में गाय ने करीब 15 किलो या 20 किलो दूध दिया था पहले ही ब्यात में, उसको मैं अपने हाथों से दलिया बना करके चना बना करके खिलाया करता है। और भी जो भी दायित्व दिया गुरुजी ने खेती करने का, अपने हाथों से आधा आधा एकड़ जमीन तो फावड़े से खोद दिया करते थे हम, आधा एकड़ जमीन ऐसे लगा रहे थे।
तो गुरु जी ने जिस सेवा में लगा दिया उसको क्या करते थे। तो ये शास्त्र पाणिनि अष्टाध्यायी, लिंगानुशासन, धातु पाठ तो हमने पता नहीं 13 या 14 दिन में ही स्मरण कर लिया था, जब उस समय थोड़ा समय मिल गया था। अभी हम ब्रह्मचारी सौरभ जी खड़े हो जाएंगे, इन्होंने अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंगानुशासन तीनों ही स्मरण किए हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी सौरभ जी का। तो पहले अष्टाध्यायी सुन लेते हैं इनसे थोड़ा सा। तो वैसे तो अब अकेला ही मैं सुनने में लगा हुआ हूँ, लेकिन समय क्योंकि कम है इसलिए कईयों को सुनने का, नहीं तो जो कोई भी सुन सकता है। सामंत्रितम एक वचनम, एक वचन संबुद्धि षष्ठी शेषे जीवमिदर्थस्य करणे अधिगर्थ दयाशाम कर्मणि क्रिया प्रति कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेशु स्तंभ शक्रितोरिन हरते कर्मण्यज्ञाख्यायम कर्मणि निविक्रियः दृश्य कोनि प्राजन युधि क्रिया सहे च सप्तम्यां जनेरडः पंचम्यां अजातौ उपसर्गे च संजयम अनौ कर्मणि अन्यश्वपि दृश्यते निष्ठा सोयजुर्मुनि ढकिलोपः मातृष्वसुश्च चतुष्पाद्भ्योण फलेलुक्लक्षादिभ्योण जम्बुआवा लुप् कुशलः पथः आकर्षादिभ्याकन धनहिरण्यात् कामे उदराठगाद्युन सस्येन परिजातः अंशम हरि पूजनात् किमाक्षेपे नस्तत्पुरुषात्। जोरदार अभिनंदन है ब्रह्मचारी का, बिना विस्मरण किए अष्टाध्यायी। मैंने ये तो कुछ हम प्रतीक के रूप में पूछ रहे हैं, लिंगानुशासन में थोड़ा सा करते हैं, हमें भी बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। पुमान घय बनता घाजंतश्च भय लिंग भग पदानी नपुंसके नंगंत याचय स्त्रियां क्यंतो घुह इशुधि स्त्री च देवासुरात्म स्वर्ग गिरी समुद्र नख केश दंत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धातु पाठ सुनते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है ब्रह्मचारी का। ये धातुएं 2000 धातुएं हैं, वर्ब्स अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो 2000 धातुएं आपको स्मरण है तो आप हजारों लाखों शब्दों की रचना कर सकते हैं। धातु पाठ और अष्टाध्यायी यदि आपको ठीक से स्मरण है, और लाखों करोड़ों जो शब्द राशि है संस्कृत की, वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत पुराण आदि से लेकर के संस्कृत का विराट साहित्य उस सब के, तो धातुएं थोड़ी थोड़ी तो आप ये जो पठती पठंती 2, 4, 10, 20 धातुएं आप याद करते हो, ऐसे 2000 धातुएं ब्रह्मचारी ने याद की हैं। तो श्री गतौ हरिगति प्रापण यो हो गृघ्रसेचने धुरी हुर्चने श्रुगतौ शुप्रसवैश्वर्य यो हो श्रुश्रवणे ध्रुव स्थैर्य दुद्रुगतो। जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी का। तो कहीं एक आधी बार कहीं थोड़ा सा भूल हो जाए तो थोड़ा सहारा दे देते हैं। तो भाम क्रोधे क्षमुष सहने कमुकांतौ इत्युदत्त अनुदत्तेतः अथाणादयो क्रम्यन्ता त्रिंशत् परस्मी भाषाः चमु भक्षणे रीक्षि चिरिजिरि दासरिद्रहिंसायां मन्तु अपराधे फिर वल्गु पूजा माधुर्ययोः असुपतापे असु अस्मि इत्येके। चलो जोरदार अभिनंदन, बहुतों का सुनना है इसलिए थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। तो ये ब्रह्मचारी सौरभ जी, ब्रह्मचारी पवन जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, उत्साह बढ़ाइए। जो है समूह में कई बार तो हजारों लोगों को देख करके विस्मृति हो जाती है। अर्ध धातु के अधो जगति लिप्तिकति लुंग सुन गसली गए पोश्च बोलम चंदसी लेटेन दर्शा वे वही हनुमत लिंगी लुंगी चात्म निपदेश में दर्शा में डोगा लिंगी डोगा में बोले मदो अनुपसर्गे प्रमदा समुद्र हट से समुद्र जा पशु सक्ष शुक्ला प्रेम सरते हुआ शमशान चामे न्याय विश्व अंगे दिन निपान महावा भाव निपा सर्ग से अनशरण सस्यरण इटोत सुटितो क्या बात है। जोरदार अभिनंदन है इस भी ब्रह्मचारी का। थोड़ा सा लिंगानुशासन सुन लेते। कंसम चा प्राणी रश्मि दिवसा विधानानि दीदीति स्त्रियां दिनाहानि नपुंसके माना विधानानि नपुंसकं भावे लुडन्ता निष्ठा च त्विषयौ तद्धितौ
बहुत बहुत अभिनंदन। ब्राह्मण आदि पहले जो आता है उससे थोड़ा ज्यादा पूछ लिया जाता है, अभी तो क्योंकि जल्दी जल्दी पूछना है। सुचस हो के कुछ सुचस हो के कुछ शब्द तारे कुंच कुंच गति कोटाले भावे लुंचा पहने वंचु पूजा मधुर वंचु चंचु तंजु तंजु पुंचु पुंचु मृचु मृचु आय वय पय मय चय आय वय पय मय चय तैन गतवण रक्षण चय धान गति रक्षण चलन चु हुई तंतु संताने पुई विषण दुने च क्षमाई दुने क्षमाई पुरे विद्धौ तारी संताना पालने शल चलन संतान। जोरदार वीरेंद्र बंकारी का। चलो और सुना दो एक दो। सस प्राण ने अनच शिष प्राण ने अनाचा जक्षा बक्सा आसन यो हो। जोरदार अभिनंदन इस ब्रह्मचारी का भी। पवन जी और रोहित जी आ जाएंगे अब। ये अष्टाध्यायी और धातु पाठ लिंगानुशासन तीनों स्मरण किए हुए ब्रह्मचारियों ने, तो ये छोटा ब्रह्मचारी है तो छोटे ब्रह्मचारी के लिए थोड़ी और जोरदार ताली बजा दीजिए। आप भी ऐसे स्मरण कर सकते हैं। उच्चैर उदात्त नीचैर अनुदात्त समहार श्रित तस्यादि उदात्त मृदस्म एक श्रुति दुरात समुद्धौ यद कर्मण्य जपन्यं शामसु चैस्त्रः षट्कारः न स्वरम्यां श्रित सुदात्त देवरुणदात्त समहार श्रित तस्यादि उदात्त मृदस्म। वे है शब्द कर्मणः अकर्मकाच्च सम्मानवत संजनाचार्य गणजान वृत्ति विगुणेषु निहकर्तृत्वे चाश्रिकमाणि यस्य चायामः जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी ने अच्छी याद कर रखी है। तो धातु पाठ लिंगानुशासन धातु पाठ में तो बड़ा लंबी लंबी धातुएं हैं। अवरक्षण गति कांति अवरक्षण गति कांति प्रीति दृप्त अवगम प्रवेश श्रवण सम्य अर्थ याचन क्रियच्छा दीप्त वाप्त लिंग निजदान वाक वृद्धिशु। जोरदार बहन देखो एक अव धातु से ओम शब्द बनता है ना, तो ओम शब्द के कितने अर्थ हैं, तो ये धातु आपको पता होगी तो आप ओम शब्द के अर्थ बता पाओगे। तो ये एक एक धातु की ऐसी महिमा है। तो बैठ जाएंगे ब्रह्मचारी, जोरदार अभिनंदन है इनका भी। तो ये थे ब्रह्मचारी रोहित जी। और अब कुछ बेटियों ने देखो शास्त्र स्मरण की हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है। अष्टाध्यायी फिर दर्शन उपनिषद वेद, कोई कोई तो चारों चारों वेदों को स्मरण कर लेते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों को चार चार दर्शन भी स्मरण है, ग्यारह ग्यारह उपनिषद भी स्मरण कर लेते हैं। ऐसे हमारी बेटियों ने जैसे इन्होंने अष्टाध्यायी लिंगानुशासन धातु पाठ आदि याद किया है, ऐसे ही बेटी हर्षिता है उन्होंने धातु पाठ याद किया है। हर्षिता और अष्टाध्यायी भी याद की धातु पाठ। चलो धातु पाठ ही सुन लेते हैं आपसे। तो वागति गंधन यो हो वागति गंधन यो भा दीप्त स्ना शौच श्राप पाके दा कुत्साहम गतौ साप भक्षणे पा रक्षणे। तो जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, पहली बार में अटके नहीं है। देव क्रीड़ा विजय गीप्सा दिव क्रीडा विजय कीश व्यवहार दीति स्तुति मद मद स्वप्न कांति गति शिव तंतु संतानी श्रीव गति शोषण योगो स्टीव निरसनेष्णु सदने। अब आपको थोड़ा बता भी देते हैं क्यों पूछते। अब जैसे आपको पहले हमने अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम वो प्रवेश आदि जो बताए थे। अब जैसे देव शब्द के अर्थ करते हैं, जैसे मेरे नाम के पीछे क्या लगा है राम देव, ऐसे बहुत देव देव देवता ऐसे बोलते हैं ना। तो देव शब्द या देवी शब्द किससे बनेगा, दिव्य धातु से बनेगा। तो दिव्य धातु के कितने अर्थ हैं जो अभी बता रही थी बेटी। ऐसे आपको संस्कृत के शब्दों का अर्थ धातु पाठ से ही पता लगता है। तो धातु पाठ तो बहुत से बच्चे याद कर सकते हैं और आचार्य कुलम के बच्चे भी याद कर सकते हैं। जो शास्त्र याद करेगा उसको हम पारितोषिक विशेष रूप से दिया देंगे, आप भी याद कीजिए। तो आचार्य कुलम के बच्चे तो बड़े तीव्र मेधा वाले हैं। तनु विस्तारे क्षणु दाने तनु विस्तारे क्षणु दाने क्षणु हिंसा क्षणु च ऋणुगतौ त्रिणुवदने घृणु दीप्तौ इत्युदत्त स्वरित अथ द्वावात्मने भाषौ वनु याचने मनु व बोधने इत्युदत्त वनुदत्तेतौ अथैको भयतो भाषा दुक्नियकरणे अनुदत्त। तो बेटी ने बहुत अच्छा याद किया है, तो एक बार जोरदार इसके लिए अभिनंदन हो जाए हर्षिता के लिए भी। और अब बहुत से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बाकी है, लेकिन जो है स्वाति से पूछते हैं। स्वाति ने अष्टाध्यायी भी याद किए, योग दर्शन जो है अष्टाध्यायी एक बार सुनते हैं पहले। स्वाति के लिए जोरदार अभिनंदन है बेटी के लिए। ऐसे सबको स्मरण करना चाहिए और शास्त्रों का फिर पाठ करते रहना चाहिए। थोड़ा आधा आधा एक
घंटा भी पाठ के लिए देते रहते हैं तो पूरे जीवन भर ये शास्त्र हमारे भीतर प्रतिष्ठित रहते हैं, और ज्ञान तो ये हमारे संस्कारों के रूप में हमारे भीतर संचित रहता है। अब तो इस तरह की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं, पिछले जन्म में जो पढ़ा वो इस जन्म में काम आता है। अभी पिछले दिनों एक बार अखबार मैं टीवी पर देख रहा था, तो 2-3 दिनों तक पूर्व जन्म में जिन्होंने जो शास्त्र पढ़े, जो विद्या पढ़ी, जो भाषा पढ़ी, वो अगले जन्म में उनको स्मरण रही। ये यहां तक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आप यहां पर आ रहे हो, तो एक जन्म की आपकी यात्रा नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की आपकी पावन यात्रा है। तो अपने सौभाग्य के लिए अपने लिए तालियां बजाइए आप। बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं आप सब। समर्थ पद विधि ही समर्थ पदविधि सुभा मंत्रिते परांगवत्सरि प्राक्कडारात् समासः सह सुपा अव्यय भावः अव्ययः उणादयो बहुलं भूतेपि दिश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् प्रणिपात युड्लट् विभाषा कदा करह्यो किं वृत्ति लिप्सायां लिप्स्यमान सिद्धौ बंधने चर्षौ मत जना हलात कर्ण जल्प कर्षेषु तत्र साधु प्रतिजना दिभ्या। बहुत अच्छा याद किया बेटे ने, जोरदार तालियां स्वाति के लिए। और रीता भी खड़ी हो जाएंगी। यस्य चायामः तिष्ठ तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्याव नदीभिश्च संख्यावंशे च अपादाने परिप्सायां द्वितीयायां च स्वांगे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपति पदिस्कन्दां व्याप्यमानसेव्यमानयोः अस्यति दिशो क्रियान्तरे कालेषु धान्यानां भवने क्षेत्रे खं शाल्योठक यवा यवा का षष्टिकाद्यत विभाषा तीला माशोमा भंगाणुभ्य सर्वचर्मण किता खयम यथा मुख सम्मुख से दर्शन खह तत्सर्वादोर तयोर दा हिलो च छिंदसी अनद्य तनेर हिलने तरस्याम सद्य परुत परार यही शमह परेद्य वेद्य पूर्वे जोरदार अभिनंदन इस बेटी का भी, सीता का भी। अब ये कुछ ने तो योग दर्शन भी याद किया हुआ है, तो अंजलि राधिका पार्वती आ जाओ, चलो तुम्हारा दर्शन भी सुन लेते हैं। और जो है अष्टाध्यायी में अभी स्वाति के बाद रामनवमी खड़ी हो जाएंगे, रामनवमी के अष्टाध्यायी सुनते हैं। है जोरदार ताली तो बजाओ। कर्मणि विक्रियः दिशेः क्वनिप राजनीति युधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेडः पञ्चम्यां जातु उपसर्गे च संज्ञायां लुङ् अनद्यतने लुङ् अभिज्ञावचने लिट् नाकांक्षे। चलिए, ऐसे तो सबको इतना स्मरण है। इनः स्त्रियां नद्रितश्च शेषाद् विभाषा पुरा च परिप्षायां संज्ञायां न संजयाम वा जाते नय सुभ्यम कपि पूर्वम हस्वान तेंत्यात पूर्वम बहोर नय वदुत्तर पदभूमि रीच ह एति ये वर्ण दिधि वेव्यो हो। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है बेटी का, रामनवमी का भी। रीचा, वैसे किस किस का पूछे, वैसे बहुत है, लेकिन इससे शास्त्र स्मरण के प्रति आपकी दृढ़ता पैदा होती है। रीचा खड़ी हो जाएंगी और ऋचा भी सुनाएंगी। भुवादयो धातवः उपदेश जननासिका इथलन्त्यं न विभक्तु तुस्माः आद्रि टुडवः शः प्रत्ययस्य चुट्टु लशक्व तद्धिते तस्य लोपः संस्कृतम् कुलत्थकोपधादन तरति गोपुच्छाठ्थे नौ द्वयचोष्ठन चरति आकर्षात स्थल परपादिभ्यः स्थन। सख्युर्याः ऋषि कपिजात्योर्धक पायनान्त युवादिभ्योन प्राणभृजात्य वयोवचनोद्गात्रादि वन्दिते भ्रातुः ऋतश्छन्दसि नाडीतंत्रियोः स्वामी। चलो जोरदार ताली ऋचा के लिए भी। और मनोजी खड़े हो जाएंगे। ऐसे देखो, आपको याद करना है शास्त्र को, तो जो है मनोजी आइए, जोरदार अभिनंदन मनोजी के लिए, बड़ी बहादुर बेटी है और प्रज्ञावती भी है। गतिश्च उर्यादिच्विडाचश्च अनुकरणम चानिति परम आदरानादरयोः सदसति भूषणेलम अंतर परिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रति सूयजोर्ध्वनिप जीर्यतेर त्रिंश
छंदसि लिट लिटः कानज्वा कोशुश्च भाषायां सदवशे वसति निकटे वसति आवस्थात् स्थल प्राघितात् यत् तद् तद्वहति रथयुग प्रासंगम धुरो यर्धकौ एतेतौ एतेतौ रथो एतदोन सर्वशिशोन्यतरस्यं दीपंतम यस्तस्य इसके लिए भी मनु महाराज के लिए। तो आइए अब आगे साध्या जी, साध्या जी खड़े हो जाइए। केच हीने उपोधि केच अपपरिवर्जने आंग मर्यादा वचने लक्षणे थम भूता ख्याना भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः अभीर भागे प्रतिनिधि प्रतिदानयो अधिपरि संपादिनी कर्म वेशाद्यत तस्मै तस्मै प्रभवति संतापा दिभ्यः योगात योगाद्यच्च कर्मणा उकय समयस्तदस्य प्राप्तम् एकाचो द्वे एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य नन्द्रः संयोगादयः पूर्वोभ्यासः सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु अतोलरान्तस्य वदव्रज हलन्तस्य च। बहुत जोरदार सुनाए, बहुत आशीर्वाद इसको भी। और इंद्राणी ओहो इंद्राणी जी खड़ी हुई है। बच्चों आपको अगली बार आपको भी सुनानी है, कुछ औरों को भी लेंगे इसमें, याद करेंगे? कितनों ने याद कर रखी है, थोड़ी थोड़ी तो याद की थी आप लोगों ने पहले। तो चौ समासस्य इति प्रथमः पादः अथ द्वितीयः पादः बहु बृह प्रकृत्या पूर्वपदं तत्पुरुषे तुल्यः। जोरदार तालियां इसके लिए। और धान्यानाम भवने क्षेत्रे घए से आगे सुनाओ। व्रीहि शाल्यो ढक यव यवका षष्टि काद्यत माशुमति दुहश्च नरुधः तपोनुतापे च चीण भाव कर्मणो सार्वधातुकीय कर्तरी शब दिवादिभ्यशन वा भ्राशा भ्राशा भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः अचश्च अचश्च उच्चैरुदातः। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद इंद्राणी को भी। थोड़ा बहुत कहीं कुछ घबरा जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। इंद्राणी के लिए भी आशीर्वाद। और सुमेधा जी, सुमेधा जी का मेधा का परीक्षा कर लेते हैं। लट्स में अपरोक्षे च ननो पृष्ठ प्रतिवचने ननवर विभाषा पूर्वं चास्मे वर्तमान लट लट क्षत्रि शाना चाव प्रथम समानाधिकरण संबोधन तत्र तस्यैव तदर्हम उपसर्गा छंद से धात्वर्थ तस्य भावस्त्वतल अचत्वात् न न पूर्वात् तत्पुरुषाद संगत लवणा वट युध कतरसलस्य धनुषश्च वा संज्ञायाम जाया यानी गंधस्य दूत। बहुत अच्छा सुनाया बेटी ने, बहुत बहुत अभिनंदन। सुमेधा की मेधा अच्छी है। तो बेटियों ने बहुत अच्छा सुनाया। ब्रह्मचारियों का कुछ का और सुन लेते हैं। ब्रह्मचारी आकाश जी, आकाश जी खड़े हो जाएंगे। परिषदोन्याः सेनाया वा हाँ वैश्वम्या सेनाया वा संजयाम ललाट कुट्य पशति। जोर से सुनाइए। संजयाम ललाट कुट्य पशति तस्य धर्म्यम अणमहिषा दिभ्य ऋतोय अवक्रिया तदस्य पण्यम लवणाठ है किश्रा दिभ्य स्थम सलाल उन्नोय। क्या बात है, जोरदार सुना है ब्रह्मचारी ने पहली बार में। अच्छा जोरदार। और तुष्छंदसी तुष्छंदसी प्रशस्य सहस्र जिया च वृद्ध से चा अंतिक बाढ़ है। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी, अच्छा सुना। चलो आकाश जी ने खूब आकाश जैसी विराटता पाई है। शुभम जी, शुभ ही शुभ आ रहा है, तीन शुभ हैं। तो एक बार शुभम जी के लिए पहले आप अभिनंदन कर दीजिए। विभक्तिश्च सुपाह विभक्तिश्च युष्मद्युपदेशमानाधिकरणे स्थानि निपदिमा करणे हनाः स्नेहने करणे हनाः स्नेहने स्नेहने पशा हस्ते वर्तिकः श्वे पशा अधिकरणे बन्धा संज्ञायां कर्त्रोर्जीव पुरुषयो न शिवो ऊर्धेषु सिपुरो उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगा। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद ब्रह्मचारी शुभम को भी। नंदन जी खड़े हो जाएंगे। ए ता ए लेटो लेटो डाटो आत ए वैतुन्यत्र इतस्य लोपः
इतश्च लोप परस्मै पदेषु स उत्तमस्य नित्यं गीत इतश्च तस्थस्थमिपां तां तं तामः लिङ्गस्य चरति गोपुच्छठै चरति आकर्षष्ठल परपादिभ्यष्टन विभाषा युधात् अणुकुटीलिकायाः निवृत्तेक्ष द्युत्यादिभ्य त्रिर्म नित्यम तरती भी है चरती भी है वहीं पर ठीक हो गया कोई बात नहीं। आपने चरती सुना या तरती सुना तो वहीं से बढ़िया सुना दिया। अमी पूर्वाह संप्रसारणाच एंगह पदांता दति गसिंग असोच रित अंगस्य हलाह नाभि नामी नदी श्री तश्री छंदस्यु भैथन रिचे नोपधाया सर्वनाम। बहुत जोरदार याद कर रखा भाई नंदन जी ने, जोरदार तालियां हो जाए। और विमल देव जी आप सुनाइए कृत्याह तव्यत और गद मदचर जोर से सुनाओ पो करनम। चलो जो एक तो स्पष्ट उच्चारण क्या करो थे, धीरे करो या तेजी से बोलो। परो यज्ञ और गद मदचर यमस्य ऐसा नहीं, मुंह में मत बोलो। तो थोड़ा घबरा गए ब्रह्मचारी जी, लेकिन अच्छे विमल जी विमल रहते हैं, कोई मल आवरण अपने भीतर नहीं रखते। जोरदार तालियां इनके लिए भी, कोई बात नहीं, थोड़ा भी घबरा रहे हैं, अगली बार ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मण जी, हाँ जी लक्ष्मण जी, तदस्य सोढ़म तत्र भवः दिगादिभ्यो दिगादिभ्यो शरीर विवाच्य दृति कुक्षे कलश वस्त्यस्ति हरडै छेदादिभ्यो छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षेदाद्यच्च दण्डादिभ्यो छंदी च पात्रात् घश्च कडंक दक्षिणाच्च च जर्तव्यां गकियो। ये ब्रह्मचारी थोड़ा कड़क है, जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए, ठीक है। लक्ष्मण जी के बाद सूरज जी, सूरज जी आप भी अपना प्रकाश दिखाइए। अचोयत अचोयत पूर्धवदत् सखी सहोश्च गदमदचरयमश्च अनुपसर्गे। सूरज की रोशनी तो जोरदार है। नित्यं पणः मदनुपसर्गे परिमाणे परिमाणे हाँ मदोनुपसर्गे प्रमद समद हर्षे समुद्राजा पशुसु अक्षेषु गलह प्रजने शर्ते हुआ सपजनम नभ्युपिषु आंगी उधे निपान माने ख्यात प्रस्य अतो रो रप्लोता दप्लोते हसीचा प्रकृत्यांतः पादम। सूरज जी के लिए जोरदार ताले हो जाए, बहुत जोर से सुनाता है। तो गोविंद जी खड़े हो जाएंगे। अन्वेष्यपि दृश्यते अनवकर्मणि अन्वेष्यपि दृश्यते निष्ठासु यजोर्गणिपजीरेत्रे दत्तिं छन्दसि लिटः कानजवा कसुश्च भाषायां सद्वसुरो उपयवान् नास्वान् नूचा नश्चलुङ् अनद्यत्ने लङ् अभिज्ञस्य धर्म्यम् तस्य धर्मम् अण्महिष्य दिव्य ऋतोऽयं अवक्रया तदस्य पर्ण्यं लोणाठ्य किश्रा दिव्यष्ठं शला दृश्यम् कपि पूर्वं ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वं बहोर्ने वदुत्तरपद् भूम्नि नगुणादेव एवा नग उपसर्गा स्वंगम ध्रुव परसु अनम स्वासे अंत अंतश्च न प्रवाहणस्य ढे केणः न कपि केणः न कपि आपो नेत्रस्याम रिद्रिशोंगी गुण। जोरदार अभिनंदन है ब्रह्मचारी जी का। इन्होंने सर्वाधिक पूरे विश्व में सूर्य नमस्कार करने का भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जोरदार ताली हमारे ब्रह्मचारी के लिए। बड़े बलवान भी है और बड़े प्रज्ञावान भी है। वेद प्रकाश जी चलिए आप भी थोड़ा प्रकाश कीजिए। कण्वादिभ्यो गोत्रे यश्च प्राचम स्वस्थ देता सर्वत्र लोहिताधिकतन्तेभ्यः कौरभ्य मांडुकाभ्यां च वैश्य प्रथमे तदोदाच थोदारे लोच छंदस्य नद्यतने हलन्य तर्श्याम सद्य थोड़ा आराम आराम से सुनाओ, पता ही नहीं लगता क्या बोल रहे हो। सद्य परुत्परार्य ऐसम परेद्य वैद्य पूर्वेद्यु रण्येद्यु रण्यतरेद्यु ऋतरेद्यु रपरेद्यु धरेद्यु भयेद्यु रुत्रेद्यु प्रकार वचने थाल इदमहमोकिमश्च। चलो जोरदार अभिनंदन है ब्रह्मचारी वेद प्रकाश जी का भी। और वह भी खड़े हो जाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, वेद का प्रकाश हो गया, अब चंद्र का प्रकाश देख लेते हैं। तो चलिए चंद्र प्रकाश जी प्रकाश के लिए बहुलम छंदसी चायह की स्फाया स्फिष्ठाम स्थ पूर्व से द्रव मूर्ति प्रत्येष विभाषाभ्य पूर्व से श्रितम पाके प्या लिडियंगो विभाषण संगो हुआ संप्रणम व्यस्त बहुलम छंदसी चाया की अपस्पृधे थामा निर्चुरा निहुश्चिच्चूसे तित्याय स्रादा श्री तमस्य। सुनो क्षयो निवासे जयह करणम विषादीनाम च संजयाम उपमानम निष्ठा च द्वयजना सुस्का धृष्टो आसिक्ते वासा रिक्ते छंदसी जुष्टार पीते च छंदसी। बीच बीच में छोड़ो मत। हाँ नित्य मंत्री उस मदस मदोर गसी गई चय तो नाव अनद्यतने लगा। सुनो अभिज्ञा लट न यदि भाषा सांगाक्षे परोक्षे लट हसस्तु तोरलंग च प्रश्न च संन्यकाले लट समय अपरोक्षे च नव पृष्ठ वचने नन्नोर भाषा पुरलंग च समय। इसके लिए भी ताली बता दो पहले से, ठीक है। विवेक जी सुयो सुयो अरह प्रशंसयाम आक्वेस्तक छिलत धर्म तत् साधुकारी सुतिन अलंकिन राजनी प्रजनोत पचोर
मदरोच प्रवृत्ति वृद्धि भ्रातृपुत्र स्वस्ति द्वित्री भ्याम नपुंसक नपुंसक नेत्रस्याम पिता माता ससुर ससुर दिन सर्व नित्यम। चलो जोरदार तालियां हो जाए, इसका विवेक और जागृत हो जाएगा। विश्वदेव जी घबराओ मत विवेक जी। तो अब विश्वदेव जी से चूर्ण से शुरू कर देते हैं, फिर बोटी तक आएंगे। चूर्णादिनी लबड़ा लुक्षम मुदगानन व्यंजन ही रूप सकते ओजा सोम भाषा वर्त। व्यंजन भी तो बनाओ, व्यंजन छोड़ दिया आपने। ओजा सोम भाषा वर्तते तत्प्रत्यनु पूर्व में प्लोम कूलम। और वेह शब्द कर्मणाः, वेह शब्द कर्मणाः अकर्म काच्य सम्मान नोत सजनाचार्य करण जान भिर्तु विघ्न। चलो सब ब्रह्मचारियों ने बहुत अच्छा सुनाया, जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। तो खूब अच्छे से स्मरण किया है, नाम तो और भी मेरे पास में चंद्रमोहन उत्तम ज्ञान देव हर्ष राम गगन ऐसे बहुतों के हैं, लेकिन जो है और भी नाम आ गए अष्टाध्यायी में तो बहुत। तो हर्ष राम ज्ञान देव और भी कई जो है तथागत रुद्र उन सब का भी एक बार जोरदार अभिनंदन जिनका नहीं सुना गया, क्योंकि कुछ नाम मेरे को सुबह दिए थे कुछ अब आ गए थे। तो योग दर्शन सुनाएंगे, अंजलि जी खड़े हो जाएंगे। ईश्वर प्रणिधान आद्वा क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन न वच्छेद तस्य हेतुरविद्या तदभावात् तदभावात् संयोग भावहानं तद्दृशे कैवल्यं विवेक ख्याति रवि प्लवा हानोपायः हेयं दुःखमनागतं दृश्यदृश्ययोः संयोगो हये हेतुः। चलो जोरदार अभिनंदन बेटी का। और राधिका जी तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांग अनुष्ठान दशुदीक्षे ज्ञान दीप्तिर विख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहरण ध्यान समाधय अष्टांगानि अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः जाति देश काल समय वचन प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न तत्स्वभासं तस्य विषय भूतत्वात् काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश संप्रयोगे अंतर्ध्यानम सोपक्रमम निरूपक्रमम निर्विचार वैशरद्ये निर्विचार वैशरद्ये अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात् राधिका के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी के लिए। पार्वती जी सुखानुसई रागः ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः क्लेश मूल कर्म ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् चित्तस्य नुकार युवेन्द्रियाणाम् प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्। चलो जोरदार अभिनंदन इसका भी बेटी का पार्वती का। और अमन योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानं वृत्ति सारूपम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्या ज्ञान मत दुर्बा प्रतिष्ठा। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो ये योग दर्शन तो सभी को याद होना चाहिए। ऐसे ब्रह्मचारी दीपक जी, ब्रह्मचारी सरल जी, सौरभ जी, पवन जी, राहुल जी, मोहित जी, ज्ञानदेव, तथागत नंदन और आदित्य ने भी योग दर्शन पूरा कंठस्थ किया हुआ, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और योग जो दर्शन वर्ग है उनको तो योग दर्शन सांख्य न्याय वैशेषिक और 11 उपनिषद स्मरण किए हुए। तो एक बार सब ब्रह्मचारियों का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। देखो आज हमने थोड़ा सा सुना, ये तो एक जैसे कहते हैं ना इतना ज्ञान का सागर है इन ब्रह्मचारियों के पास में, यदि हम बहुत अधिक भी सुनते रहेंगे तो भी कम पड़ेगा, तो फिर आगे भी सुनते रहेंगे। कुछ को ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी कभी कभी सुनते हैं, तो हम आपसे और भी आगे सुनते रहेंगे। एक बार सबका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, सबने बहुत अच्छा किया है। एक तो नाम दान होता है कि हम भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। दो ब्रह्मचारी हैं सोनू जी और राजू पाल जी,
तो इन दोनों का नाम भी अभी इनको मंच पर आमंत्रित कर लेंगे और उनका नाम कुछ सोचा हुआ भाई? सोनू का सोम कर देते हैं या सोम देव कर दें? ठीक है भाई, चलो भाई सोनू जी का सोम देव कर दिया है। चलो छोटा हो रहा था सोम तो इन्होंने सोम देव हो गया है। सोनू जी आज से सोम देव हो गए हैं। और राजू पाल जी आपका क्या करें? चलो भाई राघव नाम कर दिया इसका, जोरदार अभिनंदन है। बहुत देर में राघव नाम आया। बोलो भारत माता की, भारत माता की।